सरकार की तरफ से स्कूल खोलने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्कूल प्रबंधन भी इसको लेकर तैयार है। वहीं अभिभावक और बच्चों की अलग अलग राय है। यहां आपको बता दें कि 15 अक्टूबर से स्कूल खुलेंगे। इस दौरान स्कूल प्रबंधक को तमाम सावधानियां बरतनी जरूरी होंगी। केंद्र सरकार की तरफ से स्कूल खोलने को लेकर SOP जारी कर दी गई है। स्कूलों में थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था जरूरी होगी, जिसके साथ ही स्कूलों में बसों को भी लगातार सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं क्लासरूम में भी सिटिंग प्लान में भी बदलाव किया गया है। स्टूडेंट्स के बीच 6 फीट की दूरी जरूरी होनी चाहिए, जबकि एक बेंच पर केवल एक ही स्टूडेंट को बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। स्कूलों में आने जाने के लिए अलग अलग लाइन बनाई जाएगी। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के गोले लगाए जाएंगे। स्कूलों में कोरोना से बचाव के पोस्टर लगाए जाएंगे। स्कूलों परिसर में थूकने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। स्कूल प्रबंधन ओड इवन के आधार पर भी क्लास ले सकते हैं। ज्यादा संख्या वाले स्कूल में 2 शिफ्ट में खुलेंगे। वहीं स्कूलों में भीड़ वाले कोई भी कार्यक्रम पर पाबंदी होगी। टीचर्स और पेरेंट्स के बीच वर्चुअल मीटिंग होगी। कंटेनमेंट जोन से आने वाले टीचर और स्टूडेंट स्कूल नहीं आ सकेंगे। ये तमाम बातें स्टूडेंट्स और टीचर्स का रेगुलर चेकअप होगा। वहीं स्टूडेंट्स और अभिभावकों की अलग अलग राय है। लंबे इंतजार के बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं, लेकिन सावधानी बेहद ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि स्कूल प्रबंधन और स्टूडेंट्स शिक्षा के साथ साथ कोरोना से बचने की तमाम सावधानियां भी अपनाते हुए नजर आएंगे। जैसे जब से लॉकडाउन हुआ है, तब से हमारे जो स्कूल हैं, जितने भी स्कूल हैं, उन टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने घर पे बैठे बैठे बच्चों को ऑनलाइन जो शिक्षा दी है बच्चों को, उस चीज़ का मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनके ऑनलाइन टेस्ट भी प्रॉपर होते रहे हैं, उनके टर्म्स भी पूरे होते रहे हैं। अब उनका जो सेकेंड टर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। और जैसे कि हमारी सरकार ने 15 अक्टूबर का निर्देश दिया है कि इन दिनों स्कूल खुल जाएंगे सीनियर क्लासेस के, वैसे तो जब तक वैक्सीन नहीं बनती तब तक थोड़ा सा सभी पेरेंट्स को डर है, मगर जैसे गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग अगर उसके निर्देशों को पालन करा गया, उसके अकॉर्डिंग अगर भेजा जाए, तो फिर हमें लगता है कि हमें बच्चों को भेजना चाहिए। मगर उसके लिए भी हम पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा ये है कि अगर हमारी राय ली जाए उसमें, तो ये है कि सबसे पहले जो टाइमिंग्स है वो कम रखने चाहिए, कि जरूरी नहीं है कि आप 8 आवर्स स्कूल चलाओ, आप 3 आवर्स या 2 आवर्स स्कूल चला दो। बेसिक जो बच्चों के सिर्फ जो प्रैक्टिकली चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑनलाइन नहीं बच्चों को समझ पा रही, वो करें। दूसरी बात ये कि सैनिटाइज़र हर एक बच्चे के कंपलसरी करें, मास्क करें, एटलीस्ट 2 या 3 मास्क वो अपने जो है वो बैग्स में रखें ताकि डिस्पोजेबल यूज़ करते जाएँ। तीसरी बात ये कि जितने भी टीचर्स हैं उनको भी जो स्कूल की जो क्लासेस हैं उनको 2 सेशन में डिवाइड करके बुलाना चाहिए, रादर देन कि एक टाइम पर एक ही बच्चा हो। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना चाहिए इसमें, कि एक बेंच पे एक ही बच्चा, और ज़्यादा कोशिश करें कि बड़े हॉल में बच्चों को बिठाएं और उसमें बड़े हॉल में बच्चों की क्वान्टिटी कम हो। इस तरीके के जो हमारे पेरेंट्स के कुछ अपने सजेशंस हैं कि हम अपने पेरेंट्स बच्चों को तभी उसमें भेज सकते हैं, क्योंकि एक बहुत कोविड जो बीमारी है, ये कोरोना जो बीमारी है, ये बहुत ही ज़्यादा महामारी जो जिस तरह से भारत में फैली हुई थी, उस चीज़ को बचाव करने के लिए अगर हम अपने बच्चों को भेजेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के गाइडलाइंस आए तो हम अपने बच्चों को भेज सकते हैं। ये वैसे तो हम पूरे साल से यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्कूल खुलें, बच्चे जाएँ, क्योंकि पढ़ाई का भी बहुत नुकसान हुआ है बच्चों का। लेकिन अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ से ऊपर तो बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। तो अगर हम गाइडलाइंस की बात करें, हाँ, अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं और ये प्रॉपरली अगर हर स्कूल प्रशासन फॉलो करता है तो हम सोच सकते हैं इस बात के लिए। लेकिन बात यही उठती है कि सोशल डिस्टेंसिंग स्कूल में बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी और बच्चों के लिए एक रिस्क फैक्टर ज़रूर बन जाएगा। तो ये चाहते हुए भी हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन रह जाता है कि बच्चों को भेजा जाए या नहीं। लेकिन मेरी राय यही रहेगी कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती और प्रॉपर इसका सॉल्यूशन नहीं निकल जाता, तब तक हम बच्चों को ना ही भेजें। हाँ, अगर बच्चों की 9th to 12th के लिए बात है तो ये ज़रूरी है, क्योंकि उनके बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं 10th और 12th के, तो वो ज़्यादा हम ना रहे बच्चों का, तो ये रहे कि बच्चे अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कुछ उनको एक हेल्पिंग उसमें चाहिए, तो टीचर्स वहाँ पे अवेलेबल हो ताकि बच्चों को वो प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस कर सके। बाकी ये ही मेरी कोशिश रहेगी कि अगर मैं अपनी पर्सनल राय दूं तो मेरा तो यही रहेगा कि जब तक वैक्सीन ना है बच्चे ना जाएं, लेकिन गाइडलाइंस फॉलो करने के तहत जो भी गवर्नमेंट हमें दे रही है उसके तहत वो इतना उसको हेल्पफुल रहे कि बच्चे एग्ज़ाम्स और ये साल को एक प्रॉपर तरीके से निकालें। ऐसी कौन कौन सी सावधानियाँ हो सकती है जिससे हेल्थ और सुरक्षा
और साथ ही साथ पढ़ाई का सबका तालमेल बना रहेगा। तो ये देखें कि जैसे कि मास्क है, सैनिटाइज़र है और सोशल डिस्टेंसिंग है, अगर ये तीन चीज़ों का बच्चे पालन कर पाएँ तो मुझे लगता है कि ये दोनों का एक अच्छा बैलेंस रहेगा, पढ़ाई का भी और आपकी हेल्थ का भी, क्योंकि दोनों ही अपने सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे पढ़ाई हो चाहे हेल्थ हो। एक साल तो बच्चों का ख़राब हो ही गया है। एज अ पेरेंट्स मैं यही कहूँगी कि हर पेरेंट इस वक्त सफ़र कर रहा है, क्योंकि छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़े बच्चा, जो भी हो वो अपना एक रूटीन और एक अपना स्केड्यूल खो चुके हैं। और क्योंकि स्कूल का योगदान ऑनलाइन का रहा है, बट ऑनलाइन में स्कूल प्रशासन ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है, बट स्टिल एक जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं वो इंडिया में इतनी अच्छी उभर के नहीं आई है, बट स्टिल फिर भी उनके ये है कि बच्चा अपना एक साल वेस्ट ना करे। तो इसी उसमें मैं कहूँगी हेल्थ और इसको बैलेंस लेकर चला जाए प्रशासन के साथ, तो हम कर सकते हैं। आपका नाम? मानसी अत्रेजा। स्कूल, कॉलेज, शिक्षक संस्थान खुलने जा रहे हैं तमाम गाइडलाइंस के साथ, आपकी क्या राय है एक स्टूडेंट के तौर पर? देखिए, एज ए स्टूडेंट मैं तो मतलब नहीं चाहता कि ऐसे खुले कॉलेज, बिकॉज अभी पीक टाइम चल रहा है, कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा ही फैल चुका है इस टाइम, और इस टाइम आप छोटे बच्चों की लाइफ रिस्क पर डालना ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ज़्यादा किसको दर्द होता है, मतलब अब घर में बच्चे को हो जाए, किसी नॉर्मल पर्सन को हो जाए, जो एवरेज आपके मम्मी पापा हैं, तो बच्चे के ज़्यादा दर्द ज़्यादा होता है। और साथ में बच्चे तो कोई प्रिकॉशन भी कुछ नहीं फॉलो करने वाले, वो तो जाएंगे पहले दिन जाते सर, सबको गले मिलेंगे, सबसे बातें करेंगे, सबके साथ घूमेंगे फिरेंगे, वो तो कुछ नहीं देखने वाले बच्चों को, ज़्यादा क्या पता। छोटे छोटे बच्चे हैं, फर्स्ट सेकंड के हैं, वो तो बिल्कुल ही खुले आम घूमेंगे। प्लस 11th 12th के बच्चे शायद फिर भी प्रिकॉशंस रखें, अब जैसे कॉलेज में है, कॉल में तो बच्चे रहते ही साथ हैं, इकट्ठे हैं, तो एक साथ इसको कम्युनिटी स्प्रेड बहुत ज़्यादा मतलब डेंजर है इसके लिए। सो मुझे लगता है कि अभी तो ठीक नहीं है खोलना। हाँ, जब वैक्सीन आ जाए या कुछ और हो, या फिर मतलब जिस एरिया में कोरोना वायरस नहीं है उस एरिया में फिर भी देख लें, अगर कोई अगर प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आजकल ऑनलाइन क्लासेस अच्छी चल रही हैं, सब बच्चे। क्या क्या सावधानियां होंगी अगर स्कूल खुलते हैं तो आप अपनाएंगे और सोचेंगे कि स्कूल भी इस तरीके की सावधानियां, कॉलेज भी इस तरीके की सावधानियां अपनाएं? देखो, सैनिटाइजेशन तो होनी चाहिए सारे डेस्क की, सारे डोर्स की, सारे हैंडल्स की। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग मतलब अच्छी तरह से फॉलो होनी चाहिए, बिकॉज विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि भी कैसे बचाएं बच्चों को। बस वही है कि स्ट्रिक्ट मैनर होना चाहिए हर चीज़ में, कि फोर्स के साथ जैसे मर्जी करके आप मतलब बच्चों को अलग अलग रखो। बाकी यही प्रिकॉशन होना चाहिए, मास्क वियर करने चाहिए सबको, सैनिटाइज सब कुछ होना चाहिए, होना चाहिए। बाकी और कोई देख नहीं सकते, बाकी अब आजकल सुना है एयर में भी स्प्रेड हो रहा है, तो अब उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है ना कि सब। ये मेरा नाम दशमीत सिंह। स्कूल होंगे वो 9वीं से 12वीं तक के होंगे, तो आप इसको किस तरीके से, किस नज़रिए से देखते हैं एज ए स्टूडेंट? हाँ, एज ए स्टूडेंट देखो, वैसे तो बहुत अच्छी बात है कि जल्दी खुल रहे हैं, क्योंकि घर पे बैठे बैठे इतने टाइम से अब हमें एक गलत आदत लग गई है कि अब हम इतना पढ़ भी नहीं पाते घर पे बैठ के, ना कुछ ज़्यादा कुछ कर पाते हैं। स्कूल्स की ऑनलाइन क्लासें भी चलती हैं पर बच्चे ज़्यादा अटेंड तो करते हैं नहीं। स्कूल वालों का भी है, हाँ चलो 40 मिनट की क्लास लगा ली, ठीक है बच्चा थोड़ा कर रहा है, पर पीछे पता है बच्चा ज़्यादा कुछ करता तो है नहीं, तो अच्छी बात है। वैसे जाएंगे, पर्सनल अटेंशन मिलेगी, बच्चा और आगे कर सकता है। और क्या क्या सावधानियां आप बरतेंगे स्कूल से, उम्मीद करेंगे कॉलेज से, उम्मीद करेंगे? मास्क तो हम जब भी जाते हैं बाहर लगा के जाते हैं, स्कूल में तो हम ज़्यादा प्रिकॉशंस लेंगे। उधर सैनिटाइजेशन वगैरह जब भी मतलब डॉक्यूमेंट्स अगर हम स्कूल देने भी जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पहले वॉचमैन सैनिटाइज करता है हमें, और हमारा टेम्परेचर चेक करता है। तो फिर है, वैसे अभी भी उन्होंने लिए हैं बहुत सारे प्रिकॉशंस, तो आगे भी लेंगे स्कूल वाले। आपका नाम? इशमीत सिंह। मेरे ख्याल से तो हम स्कूल खुलने चाहिए, क्योंकि घर बैठे तो ऑनलाइन पढ़ाई हो नहीं रही, ऑफलाइन ही हो सकती है पढ़ाई, क्योंकि ऑनलाइन बहुत डिस्ट्रैक्शन भी है और ऑफलाइन ठीक है। ऑफलाइन में ये हो सकता है कि हम थोड़े कम बच्चे बुलाएं, 50% स्ट्रेंथ हो और सैनिटाइज हो प्रॉपर, बस। तो आप किस तरीके से सावधानियाँ अपनाएंगे जब स्कूल जाएंगे या कॉलेज? मास्क होना चाहिए और प्रॉपर बच्चे अटेंडेंस होनी चाहिए कि 50% है तो 50% ही अवेलेबल हो, और सैनिटाइजर कंपलसरी हो, और एक गैप हो सोशल डिस्टेंसिंग क्लास में हो। अभी पढ़ाई नहीं हो पा रही है ढंग से, पढ़ाई और ऑनलाइन पूरी वो पढ़ाई नहीं है जो होनी चाहिए। आपका नाम? वर्तेश चौधरी। स्कूल तो पहले ही, क्योंकि 9th to 12th का जो प्रोग्राम है वो पहले ही अपने सभी स्कूल ऑफलाइन ढंग से, ऑनलाइन ढंग से बच्चों की रजिस्ट्रेशन, क्योंकि बोर्ड की जो प्रोग्रामिंग है वो चल रही है पिछले
दस दिनों से सभी स्कूलों में। लेकिन यही था कि अभी तक जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन पिछले जो SOP आई थी उसमें ये था कि 50 बच्चे सिर्फ प्रॉब्लम के लिए आने थे, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था कि 50 बच्चे प्रॉब्लम के लिए आने थे और कोई ऐसा इंटरेस्ट लोगों का था भी नहीं। लेकिन जब कल ये SOP कल शाम को ने दिशा निर्देश जारी हुए और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन नेवी निशंक जी ने जो अपने वीडियो जारी की है, उसके बाद स्कूल तो पहले ही तैयार है 9th to 12th के लिए। थोड़ा सा ये है कि भाई बच्चों को और लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस और विश्वास जगाना ज़रूरी है कि भाई सेफ्टी मेजरमेंट का ध्यान रख के वही रखना पड़ेगा। थोड़ा स्कूलों के लिए डिफ़िकल्टी है कि एकदम से घबराहट तो नहीं है भाई, लेकिन थोड़ा ये है कि अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा उस माहौल के अंदर, थोड़ा गैप के अंदर बच्चे बुलाने पड़ेंगे, गाड़ियों का देखना पड़ेगा। बट एनीवे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 9th to 12th की गतिविधियाँ जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं इस टाइम ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म की। अब बच्चों का प्रेजेंस जो फिज़िकली प्रेजेंस स्कूल में इसलिए रिक्वायर्ड है कि बच्चों की फ्रेश फोटोग्राफ होनी है। अगर हम ऑनलाइन फोटोग्राफ मंगा रहे कोई कैसी फ़ोटो भेज रहे हैं कोई कैसी, तो एक क्योंकि वो फोटो जो 9th क्लास में जानी है वो 12th तक का डाटा है बोर्ड का, तो सब लोग तैयार हैं, सब स्कूल और आई होप कि 15 तारीख है उससे 3-4 दिन पहले हम लोग एक मीटिंग करेंगे अपनी सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स और करनाल इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन की करनाल में, और उसके बाद जो भी कोई विषय ऐसे होंगे जिन पे हम लोगों को कॉमन एक जो सबसे बड़ा मैं हम लोग फील कर रहे हैं वो गाड़ियों का है कि गाड़ियाँ कैसे चलेंगी, तो हम लोग एक दूसरे स्कूल को कोऑपरेट करेंगे कि एक रूट पे अगर किसी स्कूल की बस जा रही है दूसरे स्कूल पे दूसरी जा रही है तो सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए एक दूसरे के स्कूल के बच्चों को लाने ले जाने की का अनुरोध करेंगे। और आई होप कि हमारे सभी स्कूल इस सारी तैयारी तो ऑलरेडी पहले से ही तैयार थे, जब पहले जैसे कि सैनिटाइजर का आपने देखा हमने स्कूल में मशीन लगाई हुई है, सारे पूरे स्कूल में गोले बनाए हुए हैं कि बच्चा एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ था। पहले जो 40 की क्लास है तो अब हम 20 की क्लास के लिए बांध लें, अगर एक सेक्शन हमारे पास 120 के 3 सेक्शन थे तो 120 के अब हम 6 सेक्शन लेकर चलेंगे क्योंकि अब हमारे पास टीचर स्पेयर ही हैं। तो हम लोग पहले 9th to 12th के टीचर्स ने आना था, अब 6th to 12th के टीचर्स को लेके तो 9th to 12th की जो क्लासेज हैं उसको कवर करेंगे और जो सब्जेक्ट्स का क्योंकि ज़्यादा मेजर क्लासेज का है तो क्लासेज में हम अपने अपने बच्चों को जब रखेंगे 20 की तो सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप कवर हो जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।